आप देख रहे हैं सिटी न्यूज टुडे लाइव। आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ये मामला ढोली पूसा मेन रोड का है, द्वारका नगर चौक हनुमान मंदिर के पास रोड से सटे एक ट्रैक्टर काफी दूरी से पे लगा हुआ था और पूसा की तरफ से आ रही गाड़ी जो मिनी ट्रक था उसने ट्रैक्टर में जाके ठोकर मार दिया अनियंत्रित होकर के और गाड़ी बीच सड़क पे पलट गई। उस पर पूरा ईंट भरा हुआ था, पूरे रोड पर ईंट भर गया। गाड़ी गिरते के साथ उसमें धुआं आने लगा, लेकिन चूंकि बारिश हो रही थी इस वजह से उसमें आग नहीं लगा और उसका जो शीशा था टूट गया। उसमें से दो तीन लोग, एक ड्राइवर के साथ सहचालक थे, वो लोग शीशा तोड़ के अंदर से कूद के निकल के भागे। मामला अजीब हो गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया, जोरदार टक्कर थी, आवाज़ आया। अब ये प्रशासन का काम है, ये जो मामला बन रहा है ये ओवरलोड का हो सकता है और दूसरा गाड़ी काफ़ी जर्जर और पुराने स्थिति में थी, तो हो सकता है कि गाड़ी का फिटनेस बगैर चेक किए हुए ऐसे गाड़ी रोड पे दौड़ रही है। अगर वहाँ पे किसी सवारी गाड़ी से, ऑटो से अगर टक्कर लगा होता तो दो चार पांच आदमी की मृत्यु स्वाभाविक थी, होनी थी। वहाँ पे चौक चौराहा है, चाय का दुकान है, पूरा भीड़ लगा रहता है, लेकिन संयोग था कि उस भीड़ वाले एरिया में रोड के बाएं तरफ नहीं होकर के दाएं तरफ ये घटना घटी। घटना घटने के बाद मुसारी थाना ने आकर इंक्वायरी किया और कागजी खाना पूर्ति की। अब ये प्रश्न उठता है डीटीओ से, जो कि इस तरह की पुरानी जर्जर गाड़ी उसका कौन हिसाब लेगा। बीच रोड पर ऐसे ही गाड़ी दौड़ती रहती है, खुद एक्सीडेंट करके गाड़ी का भी क्षति होता है और जो सामने पब्लिक आती है उसका भी क्षति होता है। अतः डीटीओ से, परिवहन विभाग से अनुरोध है कि इस तरह की पुरानी जर्जर अवस्था की गाड़ी को अविलंब बंद किया जाए, जिससे ये दुर्घटना पे काबू पाया जा सके।